नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राहुल गुप्ता आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सीए राहुल गुप्ता जीएसटी के अंदर वेलकम करता हूँ। इसमें दोस्तों हम आपको जीएसटी से रिलेटेड सारी अपडेट सारी अपडेशंस देंगे। सबसे पहले दोस्तों हम आज बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्टोरिकल जीएसटी से बात शुरू कर रहे हैं, हिस्टोरिकल इनडायरेक्ट टैक्स से बात शुरू कर रहे हैं कि पहले क्या टैक्सेस होते थे। ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट से हमारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं बेसिक्स अबाउट टैक्सेस। हमारी कंट्री में दो तरीके के टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी। ये पहले लगते थे, अब नहीं लगते। स्टेट गवर्नमेंट के लोकल सेल्स टैक्स लगता था, वैट लगता था। सेंट्रल गवर्नमेंट सीएसटी लगाती थी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लोकल एंड सेंट्रल, ठीक है जी। एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये हमारे स्कोप से बाहर हैं। लोकल सेल्स टैक्स, तो लोकल सेल्स टैक्स ये पहले लगता था। 2003 से पहले इंडिया के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्सेस लगते थे उसका नाम था लोकल सेल्स टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स। लोकल सेल्स टैक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ एंड नोबडी एल्स लाइक डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर कलेक्ट्स टैक्स। इसका मतलब फर्स्ट स्टेप पे टैक्स लग जाता था, इन दोनों को कोई टैक्सेस नहीं देना होता था। नो सेल्स टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर, होल टैक्सेस हैव टू बी पेड बाय मैन्युफैक्चरर ओनली। इससे तो दोस्तों बड़ी दिक्कत होनी शुरू हुई, अगर इनको कोई टैक्स ही नहीं देना तो ये चाहे 150 का बेचे चाहे 1500 का बेचे, गवर्नमेंट कोई टैक्स लगा ही नहीं सकती। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए गवर्नमेंट लाई वैल्यू एडेड टैक्स, मीन्स हर वैल्यू एडिशन पे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स मिलना चाहिए। आइए अब हम वैल्यू एडिड टैक्स को पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर सपोज 100 रुपये का सेल कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, तो 100 रुपये पे 10 रुपये वैट लगा। डिस्ट्रीब्यूटर 150 रुपये का बेच रहा है तो 15 रुपये 10% के हिसाब से, रिटेलर 180 पे 10% 18 रुपये। ये 10% हमने अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से समझाने के लिए 10% रखा था। टैक्सेस मे वेरी, सपोज ये तीनों ही हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा के एड्रेस पे अगर रजिस्टर्ड हैं तो गवर्नमेंट यहां पे खड़ी है, गवर्नमेंट यहां पे खड़ी है, हाँ जी मुझे 18 रुपये टैक्स चाहिए, ठीक है जी। एक कहता है जी मैं 100 रुपये पे 10 रुपये देने को तैयार हूँ, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी लाओ 10 रुपये निकालो। गवर्नमेंट गई बी के पास, भाई 150 रुपये का बेचा तूने, 15 रुपये टैक्स निकालो। बी बोला जी देखो 15 रुपये मैं दे तो देता हूँ, लेकिन मेरे नाम के 10 रुपये ऑलरेडी ए ने दे रखे हैं, तो आप मेरे से लो 15 माइनस 10 5 रुपये। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है आप 5 रुपये दे दो। फिर गवर्नमेंट गई सी के पास, भाई साहब 180 पे 10% 18 रुपये होते हैं, आप तो 18 दे दो। सी बोला जी गवर्नमेंट को, सरकार को, कि भाई 18 रुपये तो ठीक है लेकिन 15 रुपये तो बी ने दे दिए। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुम कितने दोगे फिर, इसने बोला जी 18 माइनस 15 मैं 3 रुपये दूंगा। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा 10 रुपये इससे आए, 5 रुपये इससे आए, 3 रुपये इससे आए, 10 जमा 5 जमा 3 18 रुपये, ठीक है भैया टैक्स पूरा आ गया जी, गवर्नमेंट खुश हो गई जी 18 रुपये टैक्स आ गया। दिस इज वैल्यू एडिड टैक्स। हर एक पार्ट पे टैक्सेस जब लगेंगे दैट इज वैल्यू एडिड टैक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहीं पे इसी सवाल का जवाब, इसी सवाल में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पता चल जाएगा। बी के लिए ये 10 रुपये जो उसने ए को दिए दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, सी ने जो 15 रुपये के टैक्स बी को दिया दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर सी। तो जो बंदे ने माल परचेज किया उस परचेज के ऊपर जो उसने टैक्स दिया दैट इज हिज इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ए का इनपुट टैक्स रेट हमने 0 माना था क्योंकि हमारे पास उसकी परचेज की कोई डिटेल नहीं थी। अब आप दोस्तों ये तो समझ ही चुके होंगे एलएसटी से हम लोग वैट में क्यों आए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, हम लोगों ने वैट को जीएसटी में क्यों शिफ्ट किया। तो दोस्तों वैट में भी कोई दिक्कत रही होगी जो गवर्नमेंट ने जीएसटी को निकाला। ये है एलएसटी एंड सीएसटी। देखिए लोकल में अगर हम माल बेचते, वो मैंने हरियाणा टू हरियाणा रखा था एग्जांपल, अब मैं स्टेट्स चेंज कर रहा हूँ दिल्ली टू हरियाणा। अब जैसे ही स्टेट्स चेंज होती हैं, दिल्ली से जैसे ही हम हरियाणा की तरफ मूव होते हैं तो सीएसटी लगेगा, वैट लगेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है। सपोज ए ने 100 रुपये का माल बी को बेचा, बी ने 150 रुपये का सी को बेचा, ये दोनों हरियाणा में है, ये दिल्ली में है, 100 रुपये पे 10 रुपये वैट नहीं लगेगा,
ये इंटरस्टेट गुड्स की मूवमेंट हो गई है दिल्ली टू हरियाणा, तो 10 रुपये CST लगेगा। बी गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट कहती है 150 का 10% 15 रुपये दे दो, सी को कहती है 180 का 10% 18 रुपये दे दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आती है ए के पास, हाँ जी 10 रुपये का टैक्स निकालो। ए ने कहा ठीक है जी, मेरे को तो 10 रुपये वैसे भी देना था, ये लो 10 रुपये। गवर्नमेंट आई बी के पास, हरियाणा के वाले के डिस्ट्रीब्यूटर के पास, कि 15 रुपये का टैक्स दे दो। बी ने बोला देखो जी 15 रुपये का तो मैं दे देता हूँ, लेकिन 10 रुपये का मैंने ए को तो दे रखा है। हरियाणा गवर्नमेंट बोली भाई तुम्हारे बंदे ने दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स दिया था, हरियाणा गवर्नमेंट को नहीं दिया 10 रुपये, तो मैं 10 रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउ नहीं करूंगी। तो बी को ये 15 रुपये पूरा टैक्स देना पड़ा। सी के पास गए, अब सी डर गया, सर मुझे भी 18 पूरा देना पड़ेगा क्या? तो जैसे ये बात हुई तो सी के पास गवर्नमेंट बोली नहीं नहीं आपको तो 18 - 15 3 ही रुपये देना है, क्योंकि आपने परचेज हरियाणा से की थी। तो इससे हुआ क्या, लोगों ने ये सोचना शुरू किया कि हमें अपनी स्टेट से ही परचेज करना है, हम बाहर से परचेज नहीं करेंगे। ये ट्रेड बैरियर बन गया, एक GST का एक ये नुकसान हुआ, एक ये नुकसान हुआ, ये 10 रुपये का क्रेडिट अलाउ नहीं हुआ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा GST के अंदर अब सारा इनपुट हर बंदे को अलाउड है, कोई सी भी स्टेट से कोई सी भी स्टेट में आप गुड्स मूव कीजिए आपको GST का पूरा इनपुट मिलता है। ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट विल नॉट गिव एनी इनपुट टैक्स रेट्स इन टैक्सेस हैव बीन डिपॉजिटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट विल रिसीव 15 रुपीज़ फ्रॉम बी, हरियाणा गवर्नमेंट विल रिसीव 3 रुपीज़ फ्रॉम सी, सिंस बी हैज सोल्ड विद इन द सेम स्टेट सो इनपुट टैक्स क्रेडिट विल बी अलाउड टू सी फॉर टैक्सेस पेड बाय बी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिसीव 10 रुपीज़ एस एल एस टी 18 रुपीज़ फ्रॉम बी एंड सी, दिस 10 रुपीज़ टैक्सेस पेड इन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शंस फॉर विच इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड इज ऑल्सो नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेस और टैक्स ऑन टैक्सेस। इसी को कहा जाता है दोस्तों टैक्स ऑन टैक्सेस, क्योंकि वो 10 रुपये आपने कॉस्ट में ऐड कर दिए। दोस्तों ये एक सवाल है जिसका आप YouTube चैनल पे हमारे आंसर कर सकते हैं, आपको कंसेप्ट क्लैरिटी भी होगी इससे। सपोज ए ने दिल्ली से माल बेचा 500 रुपये का, बी ने भी दिल्ली से बेचा 1000 रुपये का, सी ने भी दिल्ली से बेचा, सेम स्टेट है दोस्तों, कोई डिफरेंट स्टेट नहीं है, वैट 50, 100, 200 रुपये। आपको ये बताना है दिल्ली गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला और इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना कितना किस बंदे को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम आपके कमेंट्स का जवाब का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।